गुड इवनिंग। इससे पहले वाला सेशन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाया था, उसके लिए खेद है। अभी अगर आपको फिर भी आवाज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो शायद पिक्चर्स आ रही होंगी, आवाज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। टाइटल में लिखा हुआ है, एक बार फिर से एक थोड़ा छोटा सा ब्रीफ़ देते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं योगेश शर्मा के पास में। कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 9 के अंदर 25 लाख रुपए जीत करके आने वाले, सवाई माधोपुर का नाम रोशन करने वाले एक होनहार युवा आज आपके साथ में जुड़ने जा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, सीधा प्रसारण का पहला इंटरव्यू बनेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि ये पूरा जो सेशन है वो इंटरेक्टिव सेशन होगा और उनकी जो सफलता के राज है वो भी आप जान पाएंगे। और साथ ही उनके माता पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम इस सफलता के ऊपर उनकी जो किस तरह की फीलिंग आ रही है उसको भी हम यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। सुबह से जब ये खबर सुनी है, कल ही लाइव हुआ था सोनी के ऊपर, और जैसे खबर सुनी तो यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबादों का दौर चल रहा है। कुछ मीडिया के हमारे साथी भी आए थे, तो तब से बोल बोल करके योगेश जी की जो आवाज़ है वो दब गई है काफ़ी, और गर्म पानी के सेवन के ज़रिए कुछ आवाज़ उनके निकल पा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए, लेकिन ये है कि फिर भी एक फीलिंग है हम सब की। प्रोमो में जैसा आप लोगों ने उत्साह दिखाया, जो कल प्रोमो हम लोगों ने रात को 10 बजे रिलीज़ किया, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा और काफ़ी उसको पसंद किया, तो हम सीधे जो है आपको जुड़वा रहे हैं योगेश शर्मा जी से, जिनका ताल्लुक गंगापुर सिटी से है। आज हम उनके घर से सीधा ये लाइव कर रहे हैं। तो शुरुआत, पहला जो बेसिक सवाल है वो इसी सवाल से करेंगे कि जो सफलता है, इस सफलता का मूल मंत्र क्या है और किसको ये इस सफलता का आप श्रेय देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हम यहाँ पर स्वागत भी करते हैं, और तकनीकी समस्या के चलते हमने ये फॉर्मेलिटी नहीं की थी, तो आपका स्वागत है इस सवाई माधोपुर ऐप के मंच पर, और पूरी टीम की तरफ से आपको पुनः बधाई और समय निकालने के लिए खास तौर से जो आपने हमें दिया है उसके लिए भी बधाई। तो हम साथ ही जो है वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सफलता के पीछे किसे मानते हैं और क्या कुछ राज था आपकी सफलता का। देखो, सफलता असफलता मैंने इसके ऊपर कहीं पढ़ा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक सफल आदमी के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है। तो ये नहीं है कि भाई ज़्यादा वो है, हाँ मेहनत मैंने पूरी जी तोड़ की थी भाई। मैं जैसे पढ़ता हूँ कई कथन वगैरह तो अच्छे लगते हैं मुझे, तो इसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की थी मुझे, और एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। जैसे मेरे जैसे कई आजकल के युवा है, उनका लक्ष्य किसी का नौकरी होता है, कोई IAS, कोई RAS, कोई IPS, लेकिन मेरा एक लक्ष्य रह गया KBC, कौन बनेगा करोड़पति। इसके अलावा मैंने कभी कोई दूसरा लक्ष्य रखा नहीं, तो मेरा एक ही लक्ष्य था। और मैं इस लक्ष्य के पीछे लगभग 7 साल 2010 से मैं ट्राई कर रहा हूँ KBC के लिए, तो 2012 में गया भी था, जिस सीजन में माधव अपने सवाई माधवपुर की ही शताब्दी अवस्थी जी 50 लाख रुपए जीत कर लाई थी, उनके साथ मैं भी गया था बाकायदा ऑडिशन में, और मेरा भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं फास्ट रैंक फिंगर फर्स्ट तक नहीं पहुंच पाया था। उसके बाद में KBC का एक रूल है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे चला जाता है फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट में, तो वह 2 सीजन तक उसमें भाग नहीं ले सकता, 2 सीजन तक भाग नहीं ले सकता। इसीलिए मैं KBC 7 और KBC 8 में भाग नहीं ले सका, और KBC 9 जो आया है वो बीच में 2 साल का गैप देकर, यानी कि 2017 में आया। तो इस बार जैसे ही KBC 9 आया, मैंने तैयारियाँ तो पहले से शुरू कर दी थी। मैं क्या करता था, जब भी अखबार आते अखबार में कोई कटिंग देखता, अच्छी खबर होती है उसकी कटिंग करके अपनी डायरियों में चिपका लेता था। मुझे पता होता था कि कन्फर्म है ये सवाल कहीं ना कहीं परीक्षा में या KBC में आएगा, कहीं ना कहीं जीवन में किसी से बताएंगे तो काम भी आएगा। तो मेरी तैयारी शुरू से थी, एक था लक्ष्य निर्धारित हो चुका था KBC में जाना है ना, बस यह है कि मैंने इस लक्ष्य के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी। होता ना भाई, मजबूत इरादा कर लो तो कोई भी हो। मुझे एक शेर याद आता, दुष्यंत कुमार जी की गजल है एक, अपने रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो मैंने इस बार मेरी पूर्ण रूप से पूरी ताकत से ये पत्थर उछाला था कि मैं KBC में पहुंचूं, और KBC में पहुंचा, हॉट सीट पर पहुंचा, और कोशिश तो मेरी 1 करोड़ जीतने की थी, लेकिन क्या करें, लाइफ लाइन थोड़ी जल्दी खत्म हो गई थी,
इसीलिए और ज़्यादा फिर अगर 50 लाख पे जाके मैं रिस्क लेता तो मैं शायद हो सकता है 320 पे आ जाता। मैं तुक्के मारने पर विश्वास नहीं करता था, जो मुझे कन्फर्म था मैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ता गया और मेरा बिल्कुल जो सही था 25 लाख पे मैंने क्विट किया। लेकिन 25 लाख भी अच्छी रकम होती है, ऐसा नहीं है नहीं है, 25 लाख अच्छी रकम है। तो जाहिर सी बात है मैं तो यही कहना चाहूँगा, इरादे पक्के होने चाहिए, बस सफलता तो अपने आप मिलती जाएगी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो पत्थर उछालने का जो शेर है ये कल भी आपने सुनाया था हमें, तो वाकई में काबिल तारीफ बात है। तो आप जब वहाँ पहली बार जब गए थे और उसके बाद में फिर आप जब गंगापुर सिटी आप लौटे, तो कल आप कुछ एक वाक्य सुना रहे थे, बड़ा इमोशनल एक वो वाक्य है और वाकई में एक प्रेरणादायक एक स्टोरी है हमारे लिए भी, और आपने करोड़पति जो शो है उसमें भी सुनाई थी। लेकिन हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ उस भावना को और उस पूरी की पूरी जो चीज़ है उस इमोशंस को आप बताएं, कैसे क्या कुछ हुआ था पहली बार आप आए थे। देखो ये सफलता और असफलता दोनों चीज होती है, जो आदमी का हो सकता सफल हो गए तो पक्का तारीफ मिलेगी ही मिलेगी, मगर असफल हो गए तो असफलता का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होता है। जब मैं 2012 में हॉट सीट पे नहीं पहुंच सका तो मैं पहली बार तो लगभग 3 दिन तक मैंने मोबाइल बंद कर लिए थे, किसी से कोई बातचीत नहीं की थी। जब मैं बम्बई के 5 स्टार होटल में भी मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि आँखों से नींद पूर्ण रूप से उड़ गई थी मेरी। फिर भी मैंने हिम्मत करी, फिर जयपुर आया, फिर जयपुर से गंगापुर आया। जब गंगापुर आया तो यहाँ घर के बाहर पहुँचते ही हमारे एक पड़ोस में रहते हैं, उन पहला सवाल था उसका कि योगेश भाई कितने रुपए जीत के आया। सोचो मेरे दिल में क्या गुजरी होगी उस समय, क्यों खाली हाथ आया था। लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा यार हॉट सीट में नहीं पहुँचा। जब मैंने उससे कहा वो मुस्कुराते हुए वापस घुमा और अपने घर पर चला गया। चलो फिर मैं घर पर आ गया, मन उदास था, 2-3 दिन में घर से भी नहीं निकला। फिर जब बाहर इधर उधर जाने लगा तो ज़्यादातर सबका एक ही सवाल होता था, अरे यार कितने जीता यार, अरे यार कितने जीता। कोई पता है तू ही गया था ना KBC में, तूने कुछ कितने रुपए जीत के लाया यार, हमें भी मिठाई उठाई खिला। मतलब होता है ना एक आदमी के जले पर नमक छिड़कना, मेरे वो काम शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरे ही कई दोस्त जब मैं KBC में पहले जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे बड़े घनिष्ठ हो गए, बिल्कुल साथ में रहना, बिल्कुल एक साथ। लेकिन जब मैं KBC के हॉट सीट में नहीं पहुंचा, वो भी मुझसे दूर होने लग गए। पता नहीं मुझे क्या था, मैंने कि यार नहीं जो भी है। मैं एक जगह गया मेरे दोस्त की दुकान पर, कोई काम करने वाला था, कोई पता नहीं कोई फिल्म आई थी भोजपुरी में, उसमें एक दिखाते हैं हीरो को, वो भी करोड़पति बनने के चक्कर में सपने देखता रहता है, और उसके घर वाले भी ये कहते हैं पागल होगा ये पागल होगा। तो जाहिर सी बात है उसने मुझे देखते कहा भैया आपके ऊपर फिल्म बन चुकी है। मैंने कहा मेरे ऊपर फिल्म बन चुकी है? कहा भैया एक भोजपुरी फिल्म आई है आपके ऊपर देखो, इसमें भी एक है वो सोते जागते उठते बैठते बस करोड़पति बनने का सपना देखता है। मैंने वो फिल्म देखी, वो उसने जिस भावना से कहा मैं समझ गया, लेकिन मैंने जिस भावना से आंसर दिया मैंने यही कहा, मैंने कि ये पागल नहीं होते ये जो सपने देखने वाले। मैंने कहा कलाम साहब ने ये कहा है सपने वो होते हैं, मतलब सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरे किए बिना नींद नहीं आती है। मैंने कहा मैं KBC में जब हार के लौटा था ना मेरी आंखों से नींद उड़ गई थी, तो मैंने कहा पक्का है कि मैं दोबारा KBC में जाऊंगा। मैंने उसी समय निश्चित कर रखा था, जाना तो मुझे था ही, लेकिन मैंने उसके बाद गंगापुर छोड़ दिया। लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद मैं गंगापुर छोड़ गया और जयपुर चला गया, वहीं जाके प्राइवेट जॉब करने लग गया, छोटा मोटा जो भी मिला, और अपने जीवन को शुरू कर दिया। लक्ष्य एक ही था लेकिन KBC, जॉब मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। जॉब तो मैं चाहता तो कहीं और जगह भी जा सकता था, लेकिन मुझे घर के पास ही जॉब चाहिए था, तो मैंने वहाँ जाके आराम से जॉब करता गया छोटा मोटा ही, और उसके बाद में KBC की तैयारी मैंने जम के की, बाकायदा पढ़ता गया। अब इंडियन GK में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स या कोई धार्मिक, इन चीज़ों में तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि मैं KBC में नहीं अटकता। मेरी राजस्थान GK मुझे नहीं आती है। क्रिकेट मैंने जब से सचिन तेंदुलकर जी ने रिटायरमेंट लिया है मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट का कोई शौक नहीं है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये मेरे सब्जेक्ट कभी रहे ही नहीं। तो जो भी था मतलब वो 4-5 साल जो बीच के निकले हैं ना, उस बीच में मैं गंगापुर भी घर पे बहुत कम बाय चांस आता था, बीच में त्योहारों पर 2 दिन के लिए आता था फिर चला जाता था, मैं किसी से मिलता नहीं था। लेकिन क्यों मिलता और सबका एक ही सवाल होता था अब तू KBC में कब जा रहा है। इस बार मेरा नंबर आया था अभी,
तो उसके बाद मैंने किसी को बताया ही नहीं कि नंबर आ चुका है। मैं तो बिना बताए चुपचाप घर पे सूचना दी और चुपचाप शूटिंग के लिए चला गया। मैंने इसलिए नहीं बताया, हो सकता है इस बार हॉट सीट पर नहीं पहुँचा, तो बिना बताया आराम से गया हॉट सीट पर पहुँचा। इस बार एक अच्छी खबर ये हुई कि जब मैंने फास्ट टाइम फिंगर फर्स्ट का जवाब दिया तो मुझे बताया गया कि आपका जवाब अब तक केबीसी के 9 सीजन हो चुके हैं 17 सालों में, सबसे जो फास्ट जवाब आया है वो आपका आया है। और दूसरी खुशी की बात यह थी कि मैंने अभी श्री अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के दिन उनके साथ मंच शेयर किया है ना, तो उनके साथ उनके जन्मदिन के दिन हॉट सीट पे बैठना मेरे लिए 7 करोड़ का सफल था। वो भाई मैं 25 लाख नहीं, मैं मुझे लग रहा मैं 7 करोड़ जीत के आया हूँ, क्यों बच्चन सर के साथ उनके जन्मदिन का उत्सव मनाना, इस ये नसीब भारत में बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, एक यहाँ पर जो है अभी चूंकि अब आपकी कहानी इतनी रोमांच तक पहुँच गई कि अब बहुत सारे हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे हैं, असलम है और उसके अलावा मुकेश और बहुत सारे लोग हैं, नाम तो सबके लेना मुश्किल है अभी, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जीतना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है? और ये जियो का भी कोई बता रहे हैं, जियो केबीसी या क्या, वो क्या टेक्निकल चीज़ है? जियो तो इस बार केबीसी का प्रायोजक है, पैसा जियो भी लगा रहा है इसमें। इसमें जाने का तो एक ही कि साल में जब भी केबीसी की लाइन ओपन होती है तो उसका क्या पहले एड आना शुरू हो जाता है। जैसे इस साल लाइन ओपन हुई थी 17 जून से 21 जून, उसका एड आ गया था 10 जून से ही, तो उसमें बाकायदा बताता है कि 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सवाल पूछते हैं 9 बजे रात में आके, फिक्स 9 बजे अमिताभ बच्चन सर टीवी पर आते हैं और सवाल पूछते हैं, उसका आंसर अगले दिन 9 बजे से पहले यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर रजिस्टर्ड करवाना होता है। अगर आपका आंसर चुन लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मोबाइल नंबर से आप मैसेज भेजते हो वो जैसे लॉटरी सिस्टम होता ना, जैसे बोलते हैं रैंडमली सेलेक्ट बोलते हैं, तो वो कुछ सेलेक्ट करते हैं, पता नहीं कौन सा तरीका उनका, लॉटरी सिस्टम मानता हूँ मैं तो उसे, किस्मत से आपका नंबर चुन लिया तो वो आपको फ़ोन करेंगे तो वो आपसे पहले तो पूरी डिटेल पूछेंगे, डिटेल पूछने के बाद आपको वो कंप्यूटर वॉइस पे डाल देते हैं। कंप्यूटर आपसे डिटेल के अलावा कुछ जीके के सवाल भी पूछता है, अगर उन जीके के 3 सवाल होते हैं वो टोटल, अगर आप उन सवालों का आंसर सही दे देते हो, कम से कम 2 का आंसर होना चाहिए, तो आपको अगले राउंड के लिए बोलते हैं कि हम 5 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर अगर चुन लिया जाते हो तो फ़ोन करेंगे। तो वो सही आंसर वाले नंबरों को अलग रख लेते हैं, उसके बाद में जो जो नंबर वो चुनते हैं उनको वो 3 या 5 दिन के अंदर फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन करके वो ये बताते हैं कि भाई आपको हमने ऑडिशन राउंड के लिए चुन लिया है, अर्थात हम 3rd राउंड में पहुंच चुके होते हैं उस समय। अब ऑडिशन में वो कहीं भी बुला सकते हैं आपको, भारत में दिल्ली मुंबई भोपाल कलकत्ता आगरा अहमदाबाद कहीं भी बुला सकते हैं वो आपको, उसका आने जाने का पूरा खर्चा आपका होता है, केबीसी की टीम वो कोई खर्चा नहीं देती है। वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो एक टाइम देते हैं कि 9 बजे पहले जो आएगा उसी को एंट्री मिलेगी, उसके बाद में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। मैं भी गया तो मैं 6 बजे 6:30 बजे पहुंच गया था, मैं तो खैर सेंटर पे, तो वहाँ पे जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में वो एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए, इस फॉर्म को भरिए, जो 4-5 पेज का फॉर्म होता है, उसमें अपने बारे में लिखना होता है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, अभी आप क्या करते हो, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह, किस कौन सा खेल पसंद है, कौन सी टीवी न्यूज़ चैनल कौन सा देखते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, अपने बारे में जो जानकारी वो लिख दीजिए आप। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में स्क्रीन पे 10 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल 30 सेकंड का होता है, अगर आप उन सवालों का आंसर, वो औसत होता है लगभग 6 सवालों का आंसर देना जरूरी होता है, वो 5 मिनट के 10 सवाल आपको एक आंसर की दी जाती है, उस पर टिक लगाना होता है आपको, केवल ABCD जो भी आपको लगता है पहले सवाल पर टिक लगा दीजिए, उससे ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक एक को जो भी एक राउंड में 250 या 300 आदमी बुलाते हैं वो सेंटर पे, एक एक व्यक्ति को अलग कमरे में कैमरे के सामने बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत के दौरान उनका हाव भाव देखा जाता है, उनका चेहरा देखा जाता है कि ईमानदारी से बात हो रही है या पूरी कोई चाल चल रहे हैं, तो वो हर चीज़ देखते हैं। ये 3 चीज़ होती है, यानी कि पहले आपको फॉर्म भरवाते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत 10 सवाल आपके स्क्रीन पर पूछे जाते हैं, एक सवाल 30 सेकंड का होता है, उसके अलावा एक कैमरा फेस करवाते हैं, उसके बाद में ये तीनों चीज़ मिलकर KBC यूनिट के पास चली जाती है और बाकायदा वही सेलेक्ट करते हैं
इसके बाद में जो अगर किस्मत होगी तो अगला राउंड सीधा बम्बई फिल्म सिटी का होगा, यानी कि फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट। तो इसके लिए थोड़ा, लेकिन वो होता है एकाग्रचित होना तो बहुत जरूरी होता है। हम कई ये सोचते हैं मैंने एक मैसेज कर दिया नंबर आ गया, है ना, यह संभव नहीं है। कभी कभी जैसे कोई करता है लगातार, किसी ने आराम से 50-60 मैसेज कर दिए, कभी उसका भी नंबर नहीं आता। क्योंकि मुझे याद है 2012 में मेरे साथ इंदौर से एक लड़की आई थी, उसने मुझे कहा था कि भैया मैंने सिर्फ एक ही मैसेज किया था, वो मेरे साथ ऑडिशन तक आ गई थी। हाँ, और मैंने उस समय लगभग शायद 5-6 हज़ार या 7 हज़ार के मैसेज किए थे। अब इस बार भी मैंने बहुत मैसेज किए थे, इस बार मैंने ये नहीं किया था, इस बार मैंने लगभग शायद 20-25 हज़ार के आसपास के मैसेज किए थे इस बार मैंने। मैंने कहा मुझे जाना है, मेरा तो एक लक्ष्य था कि मुझे जाना है, और उन किस्मत से मेरा लक्ष्य कामयाब हो गया। तो ये प्रोसेस होती है जाने के, लेकिन लंबा होता है। इसमें जो कहते हैं ना कि भाई इतना टाइम अगर आपके पास है, 3 महीने 4 महीने इंतजार करना पड़ता है। सोचो 17 जून को लाइन खुली और मेरा नंबर अक्टूबर में आया, तो इसके लिए तो होता ना, कहता ना राउंड जैसा धीरज होना चाहिए। अगर धीरज है तो तैयारी करो, और धीरज नहीं है तो अपनी पढ़ाई करते जाओ। क्यों, केबीसी ये है, किस्मत वालों का ही नंबर होती है। जो कहता है ना कि किस्मत में लिखा हुआ मिलता है, मैं उस चीज़ को लेकिन नहीं मानता। भाई किस्मत में लिखा है तो ठीक है, मैं चुपचाप कमरे में बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता हूँ, होगा तो अपने आप आ जाएगा ना। किस्मत में कुछ नहीं होता, किस्मत के भरोसे केवल 1% रहना है, 99% तो अपनी मेहनत पर रहा करो। मैं हर किसी को ये बात बोलता हूँ कि किस्मत या किस्मत में जो होना है वो होके रहेगा, ये असफल आदमियों का सबसे बड़ा बहाना होता है। इस बहाने से बाहर निकल जाओ, सिर्फ यही रखो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात याद रखो, बस 1% प्रेरणा और 99% आपकी मेहनत आपको सफल बना सकती है। तो ये जो प्रेरणा, इतने दिन तक आपने जो सब्र किया, इतना स्ट्रगल किया, तो कहीं ना कहीं आपने भी तो सारी चीजों को साइडलाइन किया होगा ना, अपनी फैमिली को, अपने एजुकेशन को, अपने जॉब को, एकाग्रचित तो कहाँ से लेकर के आए थे आप इतना सारा हुआ? नहीं तो जॉब अपनी जगह था भाई, एक परिवार का पेट पालने के लिए आदमी काम करता ही करता है, वो जॉब अपनी जगह था। लेकिन उसके बाद में मेरा पूरा ध्यान ही केबीसी के लिए था, परिवार के साथ था, जयपुर में रहता था परिवार के साथ, ठीक है, कभी घर पे आता था, तो ज़्यादातर मैंने पूरा फोकस केबीसी पे कर रखा था। इसमें मेरी पत्नी जिनका नाम ममता शर्मा है, तो उनका भी पूरा सहयोग मुझे मिला हुआ था। क्योंकि जैसे मैं कोई अखबार में से कटिंग काटता तो बाकायदा वो मेरे साथ कभी उनको लिखवाती डायरियों में, कभी उनको मेरे साथ डायरी में चिपकाने में मदद करती। तो होता ना कि उनको मेरा सपना पता था कि ये सपना है और मैं मेरे सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, तो ये मैंने सपना पूरा किया है। तो ये है कि मैंने तो अपने आप को एकाग्रचित किया। क्यों, ऐसा नहीं अगर आप बहाना बनाए कि नहीं मेरे पास, तो अब मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें आदित्य बिरला जी का इंटरव्यू था, उन्होंने ये कहा था जो व्यक्ति यूँ कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो समझ लेना वो व्यक्ति इतना फ्री है कि उसको यही पता नहीं है मैं कौन सा टाइम सामने वाले को दूं। जिस व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता वो जिंदगी में नहीं बोलता कि टाइम नहीं है, वो ये बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा टाइम निकालने की। तो मैं जो युवा पीढ़ी कई लड़के बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं जब उनसे, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल, कई बोलते हैं फुर्सत ही नहीं है सांस लेने की, तो समझ जाओ वो बंदा बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल बेरोजगार चल रहा है, वो दिन भर फ्री डोल रहा है दिन भर। क्यों, उस बंदे को यह पता नहीं है मैं उस समय क्या काम करता हूँ। अगर उस बंदे के पास टाइम होगा तो वो जिंदगी में, ये टाइम नहीं होगा तो वो जिंदगी में ये नहीं बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, वो यूँ कहेगा ठीक है मैं टाइम को एडजस्ट कर लूंगा, ये एक तरीका होता है बस। अच्छा, एक जो है सोशल मीडिया पर, अब आप तो नहीं है सोशल मीडिया पर, कल भी आपने बताया था, और ना फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह से आप कटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टर्बेंस तो कहीं ना कहीं करता होगा। एक पोस्ट काफी चल रही है इसमें कि योगेश शर्मा और इंसाफ को लेकर के, और उस पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि उसको सांप्रदायिक सौहार्द से जोड़ा जा रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि एक हिंदू कंपटीशन में लड़ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में, एक मुस्लिम उससे कहता है कि ऊंट, तो वो बिना कुछ सोचे समझे ऊंट बोल देता है और वो जवाब सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सहिष्णुता का एक मैसेज उससे कम्युनिकेट हो रहा है, काफी वायरल हो रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे खासतौर से इंसाफ के लिए? इंसाफ जी ने वहाँ पे जो मेरा साथ दिया, मैं इंसाफ जी को इसीलिए लेके गया था कि मुझे पता था वो राजस्थान जीके के माने हुए टीचर है, गवर्नमेंटेड फर्स्ट मतलब व्याख्याता है वो, तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं उनका दिमाग इस जगह बहुत तेज है, भाई मुझे राजस्थान जीके का राह भी नहीं आता, तो मैं उनको इसीलिए लेके बाकायदा मदद करेंगे, है ना। और उन्होंने कहा ऊँट, और मुझे पता था कि वो बोलेंगे मैं वो लोक करूँगा, ये मुझे पता था, कि मैंने विश्वास करके लेके गया था, मैं विश्वास करके ही लेके गया था।
सॉरी हाँ तो क्या मैं उनको विश्वास करके लेके गया था। और जो ये जो सोच होती है ना कि नहीं ये हिंदू है या मुसलमान है, ये सोच उन व्यक्तियों की होती है जिनके सोच सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि अब हम उस चीज से बहुत ऊपर है। राजनेता अगर ये सोच रखे तो चलेगा, मगर आम आदमी के लिए तो ये सोच होनी। इसीलिए तो मैंने मधुशाला, जो मधुशाला 1935 में आई थी वो मुझे क्यों पसंद है, उसमें कुछ लाइनें ये की दे रखी है, उसमें बाकायदा मधुशाला का इतना अच्छा वर्णन किया है उसमें कि मुसलमान और हिंदू है दो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू है दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनकी मदिरा ले एक मगर उनका हाला, दोनों रहते साथ में जब तक मंदिर मस्जिद ना जाते, बेर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो ये तो मेल कराने वाली चीज उन्होंने बताया कि हिंदू मुसलमानों में कैसे मेल होता है। ये तो राजनीति होती है हमारे यहाँ। मैं बहुत सुनता हूँ इन चीज़ों में राजनीति को लेकर कि तुम हिंदू हो तो ये मैसेज को इतने में भेजो, तुम अगर ये हो फलाना हो तो ये मैसेज को इतने में भेजो। ये तो मतलब छोटा सोच है बिल्कुल। भाई मैंने संस्कृत साहित्य में पढ़ा हुआ बाकायदा, अयम निज परो वेति गणना लघु निज चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। जाहिर सी बात है अगर किसी का हृदय बड़ा है तो ये सारी पृथ्वी उसका परिवार है। ये जो छोटी सोच व्यक्ति, मैं इनसे इसीलिए कहता हूँ कभी भी धर्म को अपना हथियार मत बनने दो। मैं बिल्कुल नहीं, मैं खुद मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने शरीयत के कानून पढ़े हुए हैं, मैंने हदीस पढ़ा हुआ है, मैंने बाकायदा कुरान के 114 अध्यायों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया हुआ है। अब मैं जाति से ब्राह्मण हूँ लेकिन मैंने इस्लाम धर्म में बहुत सारा ज्ञान ले रखा है। इसका मतलब यह है वो मैं अपने धर्म का गद्दार ये थोड़ी कर रहा हूँ। मैं मुझे प्रत्येक धर्म की जानकारी अच्छी लगती है। अब मैं नॉर्मल चीज होती है हमारे कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ जो है मेरे दोस्त है कुछ। मैंने कहा यार ये हाफिज किसे कहते हैं, मुझे कई जो दोस्त जवाब नहीं दे पाते मुझे ताजुब होता। मैंने कहा भाई मैं बताऊं, फिर मैं उनको बताता हूं जिस बंदे ने कुरान को कंठस्थ कर रखा हो उससे हाफिज कहते हैं। मैं कई बार पूछ लेता हूं, हाँ मेरे ही कई दोस्त है, क्या मेरी दोस्ती ज़्यादा था? मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं हिंदू से दोस्ती कर रहा हूँ मुसलमान से दोस्ती कर रहा हूँ। मेरा जिससे दिल मिलता है मैं तो उससे बोलने लग जाता हूँ। तो मैं पूछ लेता हूँ यार मिराज किसे कहते हैं। मैं ताजुब यह करता हूँ कि मेरे कई दोस्त जो मुसलमान है वो कई वास्तव में इस्लाम धर्म की बातें नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। तो उनको मैं बताता हूँ। फिर मैंने भाई साहब पैगंबर मोहम्मद साहब ने रात्रि में जो स्वर्ग की यात्रा की थी उसे मिराज कहते हैं। तो मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदू धर्म पूरा पढ़ा हुआ है। मैं कलाम साहब को आदर्श इसलिए मानता हूँ क्योंकि कलाम साहब के एक हाथ में गीता थी और एक हाथ में कुरान थी। मैं भी यह चाहता हूँ कि मैं ये दोनों चीज लेके आगे बढ़ता रहूँ हमेशा। अच्छा एक अब मेन मुद्दे का सवाल कर लेते हैं। काफ़ी लोगों में जिज्ञासा भी है इस बात को लेकर के, और कई लोग कह रहे हैं कि आपने तो 25 लाख नहीं बल्कि आप तो पूरा शो लूट करके आए जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप खेल रहे थे, और कई लोग आपको बधाई दे रहे हैं। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज़ें। एक सवाल जो यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि अब आपको जो पैसा मिला, इतना सारा तो पैसा मिल गया आपको, और उस पैसे से अब आप क्या करेंगे, क्या कुछ आपके सपने हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे? मैंने 2012 में गंगापुर सिटी में पहली बार एजुकेशन लाइन में भाग लिया था। पहली बार मेरे यहाँ छोटे जीजा जी रहते हैं गंगापुर सिटी में, श्री दिनेश जोशी जी, उनका स्कूल है न्यू अराइज साइंस अकेडमी। तो उन्होंने, मैं यहाँ जब आया था वापस जाने लगा शादी के बाद, तो उन्होंने कहा कहीं मत जा तुम मेरे इसमें ही पढ़ा ले, तेरा खर्चा पानी मैं दे दूंगा। उस समय मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो मैं वो स्कूल में किताबों से पढ़ाते हैं देख देख के, मैंने पढ़ा लिया उस समय 6-7 महीने। तो वो मुझे ये लगता है कि मुझे एजुकेशन लाइन में मुझे दिलचस्पी हो चुकी है। एजुकेशन लाइन में मैं दोबारा आने की सोच रहा हूँ कि दोबारा आ जाऊँ। और ये जो राशि मिली है मेरा एक मैं एक चीज़ देखता हूँ आए दिन कि आजकल जो स्कूल खुलते हैं या स्कूल चल रहे हैं उन्होंने अपनी फीस इतनी ज़्यादा कर दी है, इतनी ज़्यादा कि एक साल की फीस 22,000 25,000 35,000 है ना। नाम बड़ा है स्कूल का, फीस उसी हिसाब से इतनी बड़ी है। पढ़ाई वहाँ पे मैं ये जानता हूँ पढ़ाई का स्तर नहीं है। आजकल के बच्चों की ये कंडीशन है, आप उन बच्चों से, इंग्लिश मीडियम स्कूल का कोई बच्चा है छोटा सा, उससे आप प्यार से जाके पूछिए बेटा सेव खाएगा, वो गर्दन को मना कर देगा। लेकिन आप उससे पूछिए बेटा एप्पल खाएगा, वो तुरंत हाँ कर देगा। सोचो हमारा ज्ञान कहाँ पर विकसित हो रहा है, मतलब इंग्लिश मीडियम के चक्कर में हम हिंदी को भूल रहे हैं। मैं ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें बच्चे को दोनों भाषाओं का समान ज्ञान मिले, उसे हर चीज़ का वहाँ सिखाया जाए और कम फीस के अंदर उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाए कि
कि उस बच्चे को आगे चल के कोचिंग की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट जब स्कूल से निकले तो वो अपने आप में पूर्ण रूप से परिपक्व होकर निकले, जैसे प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति होती थी स्मृति बेस पर आधारित होती थी। पहले कोई किताब को भी लेके नहीं जाता था पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ उच्चारण पर उच्चारण करवाते थे, है ना। और यही चीज हमारी चीज़ें हैं, हम भारतीयों की चीज़ें हैं, दुनिया वाले कहते हैं उनकी चीज़ें हैं। न्यूटन ने बता दिया साहब, हमने नियम दिए हैं, न्यूटन जी ने, उन्होंने एक नियम दिया क्रिया की प्रतिक्रिया, यह तो हमारा भारतीय नियम था। जब बच्चे के कान में क्रिया होती थी तभी तो बोलने की प्रतिक्रिया करता था, यह नियम शुरू से है। तो हमारी स्मरण शक्ति के ऊपर पढ़ाई चलती थी, लेकिन आजकल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब उनको कोर्स करवाना होता है, टीचर को वो अपने कोर्स को लेकर लगा रहता है कि मुझे तो कोर्स करवाना है, ये नहीं सोचता बच्चे के कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वो उसका काम है सीधा कोर्स कराओ, पैसे कमाओ। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस पर तो प्रतिबंध लगे। मैं जो मैं करूँगा, मेरा तो एक ही सपना, अगर मैं इस राशि को और धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ाई या फिर स्कूल डाला, तो मैं एक स्कूल को ऐसा डालूंगा जैसे कोई पुराने गुरुकुल आश्रम होते हैं, इस तरह डालने की सोच रहा हूँ मैं, जिसमें बच्चे को वास्तव में एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले वहाँ पर, भाई वो सीखे कि कैसे करना है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हो, अध्यात्म का मतलब ये होता है हर क्षेत्र का ज्ञान दे रहे हो, उसे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्मों के बारे में बता रहे हो, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में बता रहे हो, ठीक है, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब की कहानियां सुना रहे हो आप, हिंदू धर्म में राम भगवान का चरित्र का वर्णन कर रहे हो आप, तो वो होना चाहिए। आप बाकायदा ईसाई धर्म की बात करते हो तो ईसा मसीह की कहानी सुना रहे हो कि ईसा मसीह का जन्म भाई 4 ईसा पूर्व हुआ है ना, उनके समय रोमन का साम्राज्य का राजा ये था, उनको फांसी की सजा पोंटियस ने दी, बहुत सारी बातें बच्चों को मैं चाहता हूँ प्रत्येक एक जगह क्लियर होनी चाहिए, तो वही मेरा सपना है, उसको मैं जरूर पूरा करूँगा। बहुत अच्छा सपना है आपका, और हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि ये आपका सपना पूरा हो। यही है कि आपके इंसाफ खान जो आपके दोस्त हैं, ये यहाँ फोटो दिख रहा है, नहीं अच्छा तुम भी, तो ये एक इंसाफ और है, वो कह रहे हैं मुझे भी जाना है, आपकी दुआ चाहिए, तो आप दुआ दे दीजिए, कुछ मंत्र डाल दीजिए इसमें। दुआ तो मैं कह रहा हूँ आप अच्छा काम करो, दुआ दिल से निकलती है, दुआ वास्तव में अपन किससे कहते हैं दुआ दो, आप ऑटोमेटिक अच्छा काम करो। देखो मैं दुआ मैं भी चाहता हूँ, मैं जब मैं बात करता हूँ यार दुआओं में, बस वो आई थी ना एक फिल्म दुआओं में याद रखना, वास्तव में सही बात है, दुआ दिल से निकलती है ना, और दुआ निकलती है दिल से जब आप खुद उस क्षेत्र में आगे काम करते जा रहे हो। मैं कोई काम करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैंने किसी के लिए अच्छा काम किया तो पक्का दिल से दुआ निकलेगी, तो मेरी दुआ तो है ही खैर, लेकिन दुआ ऑटोमेटिक निकल जाएगी दिल से, आप एक बार आगे बढ़ो है ना। और आगे बढ़ते समय बस ये नहीं होना चाहिए किसी का दिल दुखा के आगे बढ़ रहे हो, आप बाकायदा आगे बढ़ते जाइए। मैं कह रहा हूँ दुआओं का तो इतना सपोर्ट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये आपका नंबर चुना जाएगा ना वो किस्मत और दुआ से चुना जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, दुआ और किस्मत वहाँ पे काम आ जाएगा आप, तो इसलिए मैं दुआ करूँगा बाकायदा। और तरीका भी है कि वहाँ जाइए आप बाकायदा, और हिम्मत नहीं हारोगे तो पक्का पहुँचोगे। कई होते हैं एक बार ट्राई किया, अरे फोन ही नहीं आता, बेकार है ये, तो कई तो यहाँ तक बोलते हैं ये तो अपने जानकारों को ही चुनते हैं। मैं गंगापुर सिटी में 2012 में जब आया था तो एक जगह यहाँ पे थी कोशिश कॉमर्स अकेडमी, तो उसमें कोई लड़का आया था, कोई नया था 18-20 साल का, बातचीत कर रही, तो वो बोला अरे कुछ भी नहीं है, KBC कुछ भी नहीं है, उन्हीं की टीम होती है, वो जीतने वाली खेलने वाली है ना। ये मैं एक बार समझ गया कि वो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं ना कि भाई वो दीवार है दुनिया यहीं तक है, उसने दीवार तक की दुनिया देखी है, तो वो ये सोचता है इस दीवार के आगे कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लिए ये है कि भैया दीवार के आगे भी दुनिया है, एक बार निकल के तो देखो। हमारी सोच अगर ये रहेगी ना कि वो अपने जानकारों को ही बुलाते हैं तो भाई मत करो मेहनत, लेकिन आप ये रखो नहीं वो किसी को भी बुला सकते हैं, आप मेहनत करो पक्का। मेरी कौन सी जानकारी थी KBC में, हाँ एक पागल बनता दिमाग में कि मुझे जाना है। कई हंसते थे कि यार KBC में कोई जा सकता है क्या, गंगापुर से कोई जा सकता है क्या। जब 2012 में मैं पहुंचा, मैं उसी सीजन में पहुंचा था जिसमें शताब्दी अवस्थी जी पहुंची थी, उसी सीजन में था मैं, लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं दुर्भाग्य से सिर्फ हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाया। उस समय थोड़ा बहुत यहाँ एहसास हुआ कि यार हाँ यार बुला सकते हैं किसी को भी, और इस बार जाकर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि लगन अगर पक्की हो, इरादा अगर ठोस हो, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो आप बाकायदा लग जाइए सर जी। और मैं पक्का कह रहा हूँ कि अगली बार हॉट सीट पे आप नाम रोशन करके आओगे माधवपुर का, तो बाकायदा आप लगे रहिए, पक्का पहुँचो।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो है वो जाते जाते एक आपसे, उसके बाद फिर आपके माता पिता से और भाभी जी से भी हम बात करेंगे। सवाई माधोपुर के युवाओं को एक दो दो या चार लाइन के अंदर एक ऐसा मैसेज कम्युनिकेट करिए जो मोटिवेशन उनको मिल जाए, और जो लोग देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं, तो ऐसा कोई मैसेज इस करोड़पति के अलावा भी और कोई ऐसी चीज़ आप बोलना चाहें तो। देखो, मैं वैसे तो कविता लिखने का मुझे शौक है, मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं ओजस्वी कविता लिखता हूँ, देशभक्ति कविता लिखता हूँ, और प्रेरणादायक कविता मैंने कोई लिखी नहीं है, लेकिन मैंने प्रेरणादायक कविता बहुत पढ़ी हुई है। अगर आपने कभी रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी कविता पढ़ी हो, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, प्रारंभ होता है उसका, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वृत्ति का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड बहती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। ये कविता यही सिखाती है कि ये प्रेरणा एक बहुत बड़ी कि है कौन विघ्न, ऐसा कौन सा संकट है जो मनुष्य की हिम्मत से बड़ा है। तो याद रखना, अगर आपने हिम्मत कर ली तो आपके सामने दुनिया का कोई संकट नहीं आएगा। तो ये प्रेरणादायी की कविता है, मेरी कविता है, ओजस्वी कविता है, कभी मौका मिलेगा तो पक्का मैं अपनी ओजस्वी कविता सुनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम जिस हिसाब से है कि टाइम थोड़ा कम है, और सुबह से आज बोल बोल के गले का तो आपको पता ही है ना, गन्ने का रस निकल चुका है आज सुबह से बोल बोल के। तो हम लेकिन यहाँ पर आपसे एक प्रॉमिस लेंगे कि जब भी अगर आम जन की और स्टूडेंट्स की खास तौर से और ऐसे युवाओं की डिमांड होगी तो आप हमको समय इसी प्रकार देते रहेंगे। हाँ पक्का, आप जब भी चाहोगे मैं समय दूंगा, और आपको गंगापुर नहीं आना पड़ेगा, मैं माधोपुर आ जाया करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपके पिताजी से हम थोड़ा सा बात करेंगे, है ना जी? थैंक यू। तो इस मौके के ऊपर आपका जो पुत्र है वो 25 लाख रुपए कौन बनेगा करोड़पति में जीत करके आए, आप भी गए, आपने वहां पर जो कुछ देखा और एक जो इनाम मिला, कैसा कुछ महसूस करते हैं आप अभी? मुझे अपने जीवन का बहुत बड़ा आनंद महसूस हुआ, और हमने जीवन भर आयुर्वेद चिकित्सा में जो प्राप्त किया इन्होंने ये बहुत ही थोड़े समय में प्राप्त कर लिया। तो हम तो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम तो यही कहें भाई, ऐसे ही प्रतिभाशाली निकलते रहे जो अपना काम स्वयं करें, और इस संसार में अपने माता पिता का और अपने मतलब क्षेत्र का नाम उज्जवल करें। हम सभी लोगों को यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा इतने कम टाइम के अंदर और इतनी मेहनत और लगन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा जो शो है उसमें और सदी के महानायक के सामने बैठेंगे, ऐसा आपको सोचा था क्या आपने? अचानक ऐसा कुछ हुआ तो आपको कुछ फीलिंग आई क्या? वो फीलिंग हम जानना चाहते हैं, माँ बाप की क्या फीलिंग होती है? नहीं, माता पिता के लिए संतान को जब जब उसकी योग्यता देखते हैं तो उनके अंदर हृदय में हलचल सी मच जाती है, जो क्योंकि उनको उम्मीद से ज़्यादा काम कोई करता है तो उसकी जो है ना विशेषताएं तो बनती बनती है। इसलिए हम तो ये है भाई, सभी के मतलब बच्चे ऐसे योग्य हों जैसे हमारे योगेश ने काम किया है, ऐसे जितने भी बच्चे हों सभी के मतलब वो करें और उनके माँ बाप को संतुष्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस अवसर पर हम आपको भी पुनः जो है मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। माता जी से भी हम थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे तो बैठे। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं, इतना नाम रोशन किया है आपके बेटे ने, तो इस अवसर पर आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या आपके मन में चल रहा है अभी? मेरे मन में तो बहुत उल्लास चल रहा है कि मेरा बेटा योगेश कुमार शर्मा गंगापुर सिटी से करोड़पति में जीत के आए 25 लाख रुपए। मैं माँ के लिए तो बहुत उत्सव की बात है कि जितना माँ का हृदय ऊंचा करे ना उसने, ऐसे सबकी मान का अपना बच्चा हृदय ऊंचा करे सबका अच्छा। तो और कोई ऐसी बात आप जो बोलना चाहे आज की पीढ़ी के लिए
जैसे आपके पुत्र हैं, सुपुत्र आपके, जिन्होंने इतना मान बढ़ाया, तो आज के जो युवा नस्ल है उसको आप कुछ अपना संदेश माँ के तौर पर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे योगेश ने सबके लिया और अपने माता पिता के लिया यह उल्लास करोड़पति में जीत करके आया 25 लाख रुपए, ऐसे अपने अपने बच्चे अपने अपने माता पिता की सबको है न आत्मा से उल्लास के साथ में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, थैंक यू। इस अवसर पर आपके बड़े भाई हैं और काफ़ी खुश हैं, और हमको आपने बड़े उत्साह के साथ रिसीव भी किया, हम रास्ता भटक गए थे और काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं, तो हम आपकी फीलिंग भी जानना चाहेंगे, आपके छोटे भाई ने जो ये सब कमाल किया है इस अवसर पर, बड़े भाई की क्या फीलिंग है, थोड़ा सा आप उसको बताएं प्लीज़। नहीं, अब उसने जीता है तो इसके दिन बहुत आंतरिक रूप से बहुत खुशी है यार, इससे जो है रोम रोम प्रसन्न है मेरा। बस ये है, जब छोटा भाई काम करेगा तो बड़े को खुद ब खुद आत्मीयता से ही प्रसन्नता होती है। तो इस अवसर पर जो भाइयों जो दो देख रहे हैं, उनमें आपस में किसी में छोटे भाई में बड़े भाई में मन मुटाव होता है, आपस में कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते, तो ऐसे जो भाई हैं छोटे बड़े जो हमको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि अपना रामायण के अंदर भाई दो प्रकार के बताए हैं, कि एक भाई बताया है भरत और राम, और दूसरा भाई बताया है बाली सुग्रीव रावण विभीषण। जब जिस समय राम जी अयोध्या से लौट करके आए थे, तो उस समय क्या हुआ कि सब प्रजा ने राम जी को देख करके आंखों में आंसू भर आए थे सबके। तब उस समय सिर्फ दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनकी आंखों में रियल दुख के आंसू थे और बाकी सबके खुशी के आंसू थे। तो वो दो व्यक्ति कौन थे मैं आपको बताता हूँ, एक तो था सुग्रीव आना और दूसरा था विभीषण, जिनको उस समय अपने भाई की याद आई जब राम और भरत को मिलता हुआ देखा कि एक भाई तो ये है जो भाई के लिए, कि भाई वनवास गया तो उसके लिए 14 वर्ष तक राज्य का त्याग करके खुद वनवासी का जीवन व्यतीत किया, और एक भाई हम हैं जिन्होंने हमारे ही भाई को शत्रु को ले जा करके मरवा दिया। तो इसलिए भाई तो भाई होता है, वो भाई से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता है। रामायण में कहा गया है कि मिले है ना जगत सहोदर भ्राता, कि कभी सब कुछ संसार में दोबारा मिल जाएगा लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। बहुत अच्छी, इस अवसर पर आपकी बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी अनमोल वचन आपने कहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पुनः बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर आपकी जो धर्मपत्नी है, मैं योगेश जी की धर्मपत्नी से भी कुछ समय लेना चाहूँगा, इस अवसर पर वो कैसा फील कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अनऑफिशियली ये बात आ रही थी कि अब जो है योगेश जी अपनी धर्मपत्नी को भी कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए शायद तैयारी करवाएंगे, तो आप प्लीज़ ममता जी हैं जी, तो ममता जी इस अवसर पर मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से और हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से, और कहीं ना कहीं एक महिला का हाथ होता है कामयाब शख्सियत में, तो आपने इतना सब कुछ जो ये इतने साल तक स्ट्रगल किया है, आप इनके पीछे थी, और जैसा बताया कि अखबार की कटिंग और सारी चीज़ें जो ये इकट्ठा करना है सब करना, तो आपको उस वक्त में जब आप मेहनत कर रही थी योगेश जी के साथ में, तो आपको उम्मीद थी क्या कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जो है वो केबीसी के केबीसी में जो है हॉट सीट पर हमारे पति बैठेंगे और वो जीत करके आएंगे? हाँ, मुझे इनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास था, और इनका सपना मैंने इनकी आंखों में देखा था, और ये जो करना चाहते हैं वो पूरे दृढ़ विश्वास से करते हैं, इसलिए मैंने इनका पूरा पूरा साथ दिया, जो मुझसे हो सकता था उतना मैंने इनके साथ काम किया। तो पूरी उम्मीद से आपने उम्मीद से मेहनत की। अच्छा, आप जब वो शो में बैठे हुए थे, मैंने भी वो शो के कुछ फुटेज देखे थे, कल ही देखे मैंने वो फुटेज, काफ़ी इमोशंस और ये सब आ रहे थे, आप काफ़ी एक्साइटमेंट थी, पास में इंसाफ भी बैठे हुए थे, और आप मतलब हर उसके ऊपर आपकी एक मतलब अजीब सी एक रोमांच वाली स्थिति थी, तो वो जो फीलिंग थी वो क्या उन तैयारियों के बदले में जो वहाँ पर रिजल्ट मिल रहा था उनके बदले में नेचुरली निकल रही थी कि क्या था वो एक्चुअली? हाँ जी, जैसे जैसे ये अपनी मंजिल के पास पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे खुशी होती जा रही थी, लग रहा था कि बस अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई भी दिखावट या फिर कोई भी बनावट नहीं थी, ये एक इमोशंस होते हैं जो दिल से आंखों से अपने आप निकल जाते हैं।
तो इस अवसर पर आप 25 लाख जीत करके आए, तो काफी कुछ फैमिली के लिए प्लान किया होगा अभी, वो तो बता रहे हैं कि स्कूल के लिए, तो और कुछ अनऑफिशियल ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। उनका सबसे बड़ा एम तो यही था कि स्कूल खोले, जो बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे अपनी फीस देने में सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से, तो उनके लिए स्कूल खोले। और छोटा मोटा कुछ भी और काम, वैसे तो इनका एक गौशाला खुलवाने का भी था, तो इसलिए ये छोटे मोटे काम थे। बाकी फैमिली के लिए तो जैसा हमेशा चलता है वो चलते ही रहते हैं, और ये तो जीवन भर चलने वाली चीज़ है, और आवश्यकताओं की कभी भी पूर्ति नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। तो इस अवसर पर खास तौर से बेटियों को, समाज की बेटियों को, महिला वर्ग को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, महिला वर्ग को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी सबका अपना, जैसे पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं होता, जैसे पुरुष सपना देख सकते हैं, उनका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, वैसे महिलाएं भी सपना देख सकती है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकती है, और पुरुषों की भांति मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए समाज को, परिवार को, सबको उनका साथ देना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर स्पेशली एक जो मैसेज देना चाह रहा था, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है, और हम लोगों ने सवाईमाधोपुर ऐप की पूरी टीम ने पिछले दिनों बेटियों के ऊपर एक सीरीज चलाई थी, और उसमें ये मैसेज हम देना चाहते थे कि समाज में जो बेटियाँ हैं वो बेटों से ज़्यादा उनकी वो कीमती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो लाइफ के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसको हीन भावना से देखा जाता है। सवाईमाधोपुर में भी अभी एक भ्रूण मिला, कन्या भ्रूण हत्या का भी मामला है, क्योंकि आप खुद महिला हैं और आपकी बेटी छोटी एक क्यूट सी बेटी भी है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो इसी तरह से। लेकिन ये जो समाज में ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस संबंध में ऐसे समाज को आप क्या, आपका क्या संदेश रहेगा? ये समाज की बस एक छोटी सोच है, बाकी और कुछ भी नहीं। सबको यही सोच, सबको अपनी बेटी को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे कहने में तो कहते हैं सब बेटी पराया धन होती है, लेकिन बेटे तो हमेशा ही पास में रहते हैं। बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा समझना चाहिए, बेटों से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। जो वो चाहती हैं वो सब उन्हें, वो सब सब सुख सुविधाएँ, वो सारी ज्ञान वगैरह जो भी एजुकेशन वो लेना चाहती है, सब कुछ देना चाहिए उनको, और समाज को इसमें पूरी पूरी भागीदारी निभाना चाहिए। बेटों से ज्यादा बेटियां नाम रोशन करती हैं। अच्छा, जाते जाते हम ये पूछेंगे कि अब ऐसे ही बात चल रही थी, ऑफ द कैमरा बात चल रही थी, लेकिन क्योंकि अब घनिष्ठ मित्रता भी हो गई है योगेश जी से, और काफी हम आदर भी करते हैं उनका, तो बात बात में कह रहे थे कि अब जो है आपकी भाभी जो है उनको भी हम तैयारी करवाएंगे, इस तरह की बात आ रही थी। तो आपकी भी इच्छा है क्या इस तरह की? आपने भी कुछ तैयारियां करने शुरू की है? कुछ प्लान है क्या करोड़पति में जाने के? नहीं, वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो मेरा तो नहीं था, इनका जो सपना था वही मेरा सपना था, इनको जाने का था। बस इनका एक सपना पूरा नहीं हो पाया कि ये करोड़पति में जाके करोड़पति नहीं बन पाए, तो वो सपना पूरा करने के लिए चाहते हैं कि मैं जाऊँ और अपना सपना पूरा करूँ। इस बहाने एजुकेशन भी ज़्यादा बढ़ेगा और अपनी नॉलेज दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ यहाँ पर। काफ़ी अच्छी आपसे बात रही, और पूरे परिवार का ही मैं शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ योगेश जी का, पूरी परिवार का, कि आपने समय दिया अपना, इतनी भागा दौड़ी और सारी चीज़ें चल रही हैं उस दौरान भी, और काफ़ी प्रेरणादायक बातें यहाँ पर आई, न सिर्फ योगेश जी की बल्कि उनके पिताजी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी, उनकी माता जी की जो फीलिंग्स थी वो आई, और भाई ने भी काफ़ी कुछ हमको यहाँ पर सिखाया, और साथ लास्ट में जो है आपकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी अपनी जो खास जो शैली के अंदर बातचीत रखी, और साथ में मैसेज भी किया कि सवाईमाधोपुर वासियों आप तैयार हो जाओ, कि आपकी बेटी, अब अभी तक एक बेटा था, उससे पहले जो है वो एक बेटी गई हमारे यहाँ से शताब्दी अवस्थी, फिर एक बेटा हमारे यहाँ से गया, और अब फिर उनकी जो धर्मपत्नी एक बेटी के रूप में करोड़पति में जाने की तैयारी पर है। तो आप सभी इनको आशीर्वाद भी दें और इनको जो है वो उत्साहवर्धन भी करते रहें। हमने वादा लिया है किसी और वक्त में फिर आपको बुलाएंगे और फिर बातचीत होगी। आपने इतनी देर तक बने रहे हमारे साथ और सहयोग किया, बहुत सारे सवाल आपके आए, जवाब भी हमने देने की कोशिश की, तो इसी तरह से पूरी टीम की तरफ से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।